good morning dear students welcome back to the class of teaching of science so students as you all are aware that these days we are discussing nature of science and i have listed eight main characteristics to understand the nature of science properly out of the eight listed characteristics we have already discussed the first six characteristics that is, number one, science is a particular way of looking at nature. Second, science is a rapidly expanding body of knowledge. Third, science as an interdisciplinary area of learning. Fourth, science is a truly international enterprise. Fifth, science is always tentative. And sixth, science promotes skepticism, and scientists are highly skeptic people. So yes. Six characteristics we have already discussed. Kar chuke hai. Let us move ahead to discuss the remaining two characteristics to understand the nature of science completely. So, the remaining two are science demands perseverance from its practitioners, and science as an approach to investigation and as a process of constructing knowledge. So, let us discuss the first one that is, science demands फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स वी टॉक जनरली दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट हाईलाइटेड बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द डिवेलमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ दिमासि फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स पर होता है या दृढ़ किसी चीज को करने के लिए डटे रहना चाहे जितनी मुश्किलें हैं दैट इज परसिवरेंस तो साइंस ये डिमांड करती है अपने प्रैक्टिशनर से या साइंटिस्ट से इट इज दी एंड साइंस जो है टेनेसिटी भी डिमांड करती है और परसिवरेंस भी डिमांड करती है टेनेसिटी हिंदी में कहें तो तप होता है और परसिवरेंस दृढ़ता होती है यानी कि दृढ़ता से तपस्या को जो है वो डिमांड करती है साइंस चाहे साइंटिस्ट कह लो चाहे इसके प्रैक्टिशनर्स कह लो अब असाइंटिस्ट गेटिंग एन इंस्पिरेशनल आइडिया और ए क्रिएटिव थाट ऑन मेकिंग ए चांस ऑब्जर्वेशन और अदरवाइज हैज़ टू परसिस्ट विद द आइडिया टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन अब एक साइंटिस्ट है अगर किसी चांस ऑब्जर्वेशन के दौरान उसको कोई क्रिएटिव थाट आती है या इंस्परेशनल आइडिया आता है तो उस आइडिया को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए उसे दृढ़ता के साथ तपस्या के साथ लगे रहना पड़ता है अदरवाइज वो उस लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाता है इट इज़ दसेसिटी एंड डिमांड फ्रॉम द Science. Sometimes the scientist works alone all the way to the discovery or invention, or at some other times, the scientist can make only a beginning and then others join him. और हर इन डिवेल्पिंग द आइडिया फर्दर कई बार क्या होता है एक साइंटिस्ट किसी आइडिया के साथ अगर शुरुआत करता है तो वो अकेला ही उसकी डिस्कवरी तक लगा रहता है और इन्वेंशन तक चला जाता है यानी कि वो अकेले ही सब कुछ कर देता है डिस्कवरी कर देता है और कई बार क्या होता है कि एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है फिर बाकी उसको ज्वाइन करते हैं और फिर वो उसको जो है आइडिया को फर्दर कंप्लीशन तक लेकर जाते हैं सो दिस इज़ एज डिवरेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स तो कई बार ये सिंगल एफर्ट भी हो सकता है और कई बार ये मिला जुला यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत सारे प्रैक्टिशनर का कलेक्टिव uh, एफर्ट भी हो सकता है अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ टेलीस्कोप राइट टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना है चलो आइए एक रोचक किस्सा जानते हैं कि टेलीस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई कैसे ये बना सो इट वॉज़ ए चांस ऑब्जर्वेशन एक चांस ऑब्जर्वेशन थी एक चश्मे बनाने वाले की चांस ऑब्जर्वेशन दैट टू लेंसेज प्लेस्ड इन ए सर्टन अरेजमेंट मेक फार ऑफ थिंग्स तो एक स्पेक्टेकल चश्मे बनाने वाला था उसने बाय चांस देखा कि उसने दो लेंसेज को कुछ दूरी पर रखा कुछ अरेंजमेंट किया और उसने क्या देखा कि दूर की चीजें उसको उससे पास नजर आने लगी इस आइडिया का पता लगा हैं को जो पंद्रह सो सत्तर से लेकर सोलह यानी कि फ़िफ्टीन सेवेंटी टू सिक्सटीन नाइन्टी नाइनटीन तक उसका लाइफ स्पैन रहा था तो हॉलैंड का वो साइंट व्यक्ति था उसको ये पता लगा सो ही रिफाइंड इट टू मेक ए प्रैक्टिकल टेलीस्कोप एंड डिसेमिनेटेड इट्स डिज़ाइन तो हैंस् लिपरशे ने इस चीज़ के बारे में सुना कि दो डिफरेंट लेंस दो लेंसेज को जब एक खास अरेंजमेंट में रखते हैं तो दूर की चीज़ें पास नजर आती हैं तो उसने उसको रिफाइन किया और एक प्रैक्टिकल टेलीस्कोप बना दिया और उसके डिज़ाइन को, को उसने डिसेमिनेट कर दिया मतलब दुनिया को बता दिया कि इस तरह से हम दूर की चीज़ों को पास देख सकते हैं अब इस चीज़ का पता लगा गैलीलियो को और गैलीलियो कौन था ये आप सभी जानते हैं है ना जानते हैं ना हाँ तो गैलीलियो हर्ड ऑफ दिस इन्वेंशन एंड सेट आउट टू मेक अ टेलीस्कोप फॉर हिमसेल्फ तो उसने इसको जानकर अपने लिए टेलीस्कोप बनाया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेलीस्कोप ही ऑब्जर्व द फेजिज ऑफ प्लैनिट वीनस एंड द नियरेस्ट मून ऑफ जुपिटर तो उसने वीनस प्लानट के फेजिस को स्टडी किया ऑब्जर्व किया एंड जो जुपिटर के मून्स थे नियरस्ट मून थे उनको भी उसने स्टडी किया और इस सब के बाद उसने क्या किया ये आप सभी जानते हैं हमने पहले डिस्कस किया है जियोसेंट्रिक से हिलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की खोज की तरफ क्योंकि गैलीलो ही व्यक्ति वो साइंटिस्ट था जिसने बहुत प्रतिरोध सहा और उसने साबित किया कि धरती सूरज के गिर्द घूमती है सूरज धरती के गिर्द नहीं घूमता इट इज दर्थ एंड द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन

दृढ़ता से एक स्पेक्टेकल मेकर को आइडिया मिला हैंस हैंपरश ने उसका एक प्रैक्टिकल डिजाइन बनाया गैलीलियो ने उसका यूज किया उसके बाद और साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया और आज हमारे पास वेल वेल्थिकेटेड टेलीस्कोप है जिससे हम यूनिवर्स की घटनाओं को देख सकते हैं लेट अस अंडरस्टैंड विद द द हेल्प ऑफ ऑफ वन मोर यू ऑल हैव मस्ट हर्ड नेम यस और नो हाँ सही समझ रहे हैं आप, आप सभी ने इसका नाम सुना है ही वॉज ए जर्मन फिजिस्ट and he was experimenting with discharge tubes on 8 November 1895. नाइन्टी डेट का ध्यान रखना वो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है जहाँ एनोड्रेज कैथोड्रेज आप अपने क्लास 11, में पढ़ा है ना एनोड रेज कैथोड रेज की डिस्कवरी हाँ ये वही रॉन्टन है सो वट ही वॉज डूइंग जब वो आठ नवंबर एट नवंबर एटीन नाइन्टी फाइव को वन ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिस्चार्ज ट्यूब ही चांस टू अब्जर्व दैट अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन कैप्ट एट समिस्टेंस अवे फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब ग्लोड वेनएवर ही अप्लाइड वोल्टेज टू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द ट्यूब जब भी वो डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड्स में वोल्टेज अप्लाई करता था उसने डिस्चार्ज ट्यूब से कुछ दूर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी तो जब जब डिस्चार्ज ट्यूब से वो वोल्टेज अप्लाई करता था उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर चमक आती थी वो ग्लो करती थी एंड इट वॉज नोन एट दै टाइम दैट द डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस कैथोड्रेज पोटेंशियल डिफ्रेंस इज अपलाइड विन द इलेक्ट्रोड्स और उस टाइम ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि जब भी डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कैथोड रेज जनरेट होती हैं एंड टू प्रिवेंट कैथोड रेज फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम द ट्यूब और उसने क्या किया था कैथोड रेज को लीकिंग से बचाने के लिए कि ट्यूब से वो लीक ना हो जाए रॉन्टजन हैज कवर्ड तो इट विद अ कार्डबोर्ड उसने कार्डबोर्ड से उसको कवर किया था सो वेन ही ऑब्जर्व द फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो और जब उसे उसने देखा कि उसने गत्ते से डिस्चार्ज ट्यूब को कवर किया लेकिन इसके बावजूद जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो हो रही है ही थाट ही हैड डिस्कवर्ड सम इनविजिबल रेज उसने सोचा कि उसने किन इनविजिबल रेज को डिस्कवर कर दिया है जो उस ट्यूब से निकल रही हैं जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो ग्लो हो रही है गॉट इट आर नॉट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइट किया एक फ्लोरसेंट स्क्रीन साइड पर रखी थी और वो अपने आप चमक जाती थी उसने उसको ऑब्जर्व किया अब मजे की बात क्या है अ लेस डिलीजेंट पर्सन माइट हैग्नोड दिस ऑब्जर्वेशन अगर कोई केयरफ जो केयरलेस पर्सन होता तो वो इसको इग्नोर कर सकता था बट नॉट ट्रॉटचन लेकिन ट्रॉटचन ने ऐसा नहीं किया फ्रॉम दैट डे टिल द एंड ऑफ द ईयर उस दिन से लेकर उस वर्ष के अंत तक ही वर्चुअली लिव्ड इन हिज लेबोरेटरी विद हीज अपरेटस प्रजर्वेंस एंड टेनेसिटी तपस्या और दृढ़ता एक साल तक वो लगा रहा अपनी लेबोरेटरी में डिस्चार्जिव एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जर्वड रेडिएशन जो रेडिएशन उसने ऑब्जर्व की थी उनकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने में लगा रहा कि कुछ तो है कुछ तो है जो है निकल रहा है ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट डेट वट ही हैड ऑब्जर्व वाज ए रियलिटी इंडिड और उसने अपने आप को कन्विंस किया अपने आप को तसली दिलाई कि जो उसने ऑब्जर्व किया था ये एक वास्तविकता है ये कोई घट ऐसा ही नहीं है इग्नोर्ड चीज़ नहीं है कुछ ना कुछ हो रहा है वो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या लेकिन उसने मान लिया कि कुछ तो हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड और जब एक साल का एंड हुआ ही इन्वाइटेड हिज़ वाइफ इन टू द लेबोरेटरी उसने अपनी पत्नी को लेबोरेटरी में बुलाया एंड गॉट द पिक्चर ऑफ़ हर हैंड और उसने अपनी वाइफ के हाथ की पिक्चर ली उन रेज़ की मदद से द पिक्चर शोड ओनली द स्केलेटन और वो जो जब रेज़ उसने अपने वाइफ के हाथ से गुजारी तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा जो था जो हाथ के अंदर स्केलेटन था बोन्स का वो नज़र आया बाकी पूरा हाथ नहीं आया तब उसने डिस्कवरी की उन अननोन रोज अननोन रेज की तो वो अननोन थी इसलिए उसके लिए उसके लिए इसने कोट किया एक्स और तब से उसको कहा गया एक्स रेस और फॉर हिज डिस्कवरी रॉन्ट जन रिसीव द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन नाइनटीन नॉट वन उन्नीस सौ एक में उसे नोबल प्राइज भी मिला फिजिक्स में एंड वी ऑल नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एक्स रेज आर टू डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर्स टूडे और आज के दौर में एक्सरेज की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सभी जानते हैं चोट लगी एक्सरे करा लो है ना तो आर द अ सिमिलर एग्जांपल इज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इसी तरह से हम पेनिसिलिन की डिस्कवरी का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कैसे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वो आप सभी जानते हैं आपने विज्ञान में पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं यू विल फाइंड हाउ पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी नोबेल प्राइज मिला था इन नाइनटीन फोर्टी फाइव सो दिस इज द परसिवेंस एंड टेनेसिटी दैट साइंटिस्ट है श्यून और उसी वजह से आज इतनी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस के अंदर सो साइंस डिमांड्स टेन एसटीट पर भी नई डिस्कवरीज नहीं नई डिस्कवरी नई खोज हो सकती हैं लेट एस डिस्कस द लास्ट पॉइंट दैट साइंस एज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन एंड एज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपको पूरी साइंस का जो प्रोसेस है और किस तरह से साइंस वर्क करती है ये सारी चीज़ें समझ आएगी कैसे साइंसिस में साइंस में जो है वो लॉज बनते हैं थ्योरीज बनती हैं या प्रिंसिपल्स बनते हैं वो कैसे साइंस जो है वो हर मतलब साइंस वर्क कैसे करती है दैट यू विल ऑल कम टू नो विद दिस अंडर दिस पॉइंट इट बिट लेंथी बट होल्ड ऑन योर नर्व एंड लिसन इट प्रॉपरली एंड यू विल एन्जॉय द साइंस पर्टिकुलरली थ्रू दिस पॉइंट अब क्या होता है मोस्ट इन्वेस्टिगेशन इन साइंस इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मैथड साइंस में जितने भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें किसी ना किसी तरह का साइंटिफिक मैथड जो है वो इन्वॉल्व रहता है ये साइंटिफिक मैथड कैसे वर्क करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें बट जस्ट आप ध्यान रखिए कि सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व रहता है इट शोज़ क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन काइंड इन सीकिंग सोल्यूशन टू इट्स प्रॉब्लम और ये जो साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व रहता है ये दर्शाता है कि हम आदमी जो है कितने क्रिएटिव हैं जब अपनी समस्याओं के हल निकालने के पीछे पड़ जाते हैं हाउ मच क्रिएटिव वी आर तो हम साइंटिफिक मेथड से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं द अप्रोच यूज बाय द साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड इकोलॉजी अब एस्ट्रोनॉमी क्या है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन मून स्टार्स जब हम सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देर सराउंडिंग और जब हम सजीव वस्तुओं और उनके आसपास की चीज़ों में क्या संबंध है उसको स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं अब अप्रोच जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं स्टडी में एस्ट्रोलॉजी और इकोलॉजी की दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड प्रोडिक्शन तो एस्ट्रोनॉमी में चाहे सोलर सिस्टम को स्टडी करें चाहे लिविंग थिंग्स की सराउंडिंग के साथ हम लिंकिंग को या रिलेशनशिप को स्टडी करें साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन की अप्रोच और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद प्रडिक्शन यानी कि अवलोकन करते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं अनुमान लगाते हैं सिमिलरली इन माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट रिलाई ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट फोकस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो उसमें जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है तो वो लेबोरेटरी में जाके ही स्टडी की जाती है राइट right? ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन एंड प्रडिक्शन देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिस इज़ ए ग्लिम्प्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच साइंस वर्क यानी कि जब साइंस वर्क करती है तो ऑब्जर्वेशन और प्रोडिक्शन होती है और उसमें ऑब्जर्वेशन और प्रोडिक्शन किसके बेस पे होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर प्रोडिक्शन की जाती है सो ये इस तरह से साइंस जो है वो वर्क करती है द एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोसेस हैव बीन कोलेक्टेड इन वट इज़ नोन एज साइंटिफिक मेथड और ये जो प्रोसेस है साइंस का इसके जो एजेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको इकट्ठा करें तो उनको जब हम सिस्टमेटिकली देखेंगे तो अपने आप आपका साइंटिफिक मेथड जो है वो बन जाता है सो लेट अस हैव अ लुक ऑन टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइंस सॉरी साइंटिफिक मेथड तो अगर एजेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो अभी हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन अगर हमने किसी चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे और नॉलेज फैक्ट्स कंसेप्ट और प्रिंसिपल की फॉर्म में होता है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं अगली स्लाइड्स में सो so, एक तो पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया साइंटिफिक मैथड का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के बाद सेकेंड हो गया हाइपोथिस हाइपोथिस के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे एंड थर्ड है प्रडिक्शन फ्रॉम हाइपोथिसिस एंड इट्स टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन तो जो हाइपोथीसिस से जो प्रडिक्शन होती है आ गया ना ऑब्जर्वेशन फिर प्रडिक्शन कॉज एंड इफेक्ट की जो पीछे हम बात कर रहे थे सेम थिंग इज कमिंग आउट तो यहाँ से निकल क्या है, scientific method के आए साइंटिफिक मेथड के एजेंशियल एलिमेंट तो साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रोग्रेस करती है उसी से कंस्ट्रक्ट होता है नॉलेज और उसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जाती है और लास्ट में जब हमारे पास आता है तो फोर्थ में बनती है साइंटिफिक थ्योरी अब ये चारों एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं अगर इन चारों की वर्किंग आपको समझ आ गई तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ साइंस वर्क एज एन इन्वेस्टिगेशन अप्रोच एंड हाउ it इट बिल्ड्स नॉलेज हाउ इट कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज सो लेटस मूव विद द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो observation अब जब भी साइंस में वर्क करना है तो रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट यूजली हैव टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब भी साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं उनको हमेशा कारण और प्रभाव में क्या संबंध है ये फाइंड आउट करना होता है और बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं सकता सुपोज साइंटिस्ट नीड्स टू एक्सप्लेन अ फिनन मान लीजिए एक वैज्ञानिक किसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करना चाहता है और मे बी ए प्रॉब्लम और उसके बाद कोई ऐसी समस्या आई है जिसका वो हल निकालना चाहता है फॉर दिस परपज साइंटिस्ट कैरीज आउट ऑब्जर्वेशन इसके लिए साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं वो अवलोकन करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑफ द फिनोमिनन दैट इज टू बी एक्सप्लेन जिस फिनोमिन को एक्सप्लेन करना होता है उसको वो देखते हैं समझते हैं दैट मीन ऑब्जर्वेशन करते हैं दीज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स और वो इसको क्या करते हैं कई बार रिपीट करते हैं समटाइम्स बाय मोर देन वन पर्सन एंड एट मोर देन वन प्लेसिस कई बार क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा पर्सन को रिपीट करते हैं ऑब्जर्वेशन को और एक से ज्यादा रिपीट करते हैं और अलग अलग जगहों पर रिपीट करते हैं सो दैट देर इज नो डाउट अबाउट देयर करेक्ट नेस ताकि ये पता चल जाए कि ये वास्तव में सही है या नहीं है एंड ऑब्जर्वेशन आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड स्टडीड टू डिस्कवर इफ देर आर एनी हिडन पैटर्नस और ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है ये खोज करने के लिए कि क्या इनमें कोई छुपे हुए पैटर्न तो नहीं है वॉट इट आर नॉट तो ऑब्जर्वेशन जो पहला ये अर्जेंसी है कि जब भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करनी है कि या किसी फिनोमिने को एक्सप्लेन करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ऑब्जर्वेशन के बिना नहीं हो सकता और ये ऑब्जर्वेशन हमें बार बार रिपीट भी करनी पड़ती है Right? अब जब हम ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करते हैं और उस तरह से करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है कैसे लेट अस सी वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड थ्रू अवर सेंस ऑर्गन हम अपने आसपास के वातावरण से अपने सेंस ऑर्गन से इंटरेक्ट करते हैं हमें सेंस ऑर्गन से ही पता लगता है हमारे आसपास क्या है व्हाटएवर वी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स जैसे कि सी लिसन स्मेल टेस्ट फील और टच इज इंफॉर्मेशन तो जो भी हम अपनी सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व करते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है दैट फॉर्म्स इन्फॉर्मेशन अपनी सेंसेस से इकट्ठी कर ली तो हमारे पास माइंड है हमारा दिमाग है विच प्रोसेसिज दिस इंफॉर्मेशन बाय रजिस्टरिंग क्लासीफाइंग जर्नलाइजिंग एंड कन्वर्ट्स इट इट टू द नॉलेज तो जो हम अपने सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं माइंड उसको प्रोसेस करता है उसको रजिस्टर करता है क्लासीफाई करता है जर्नलाइज करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है नॉलेज में अब हमारा माइंड इसको करता कैसे नॉलेज में कन्वर्ट आवर माइंड शॉर्ट्स आउट द इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट आउट करता है छानता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब अलग करता है जितनी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठे करते हैं हमारा दिमाग में देखा ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है ये चीज अलग है उसको डिफरेंस कर देगा और बाद में प्लेस कर देता है उनको इन वेरियस कैटेगरी उनकी कैटेगरीज बनाता है और उसको प्लेस कर देता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ तो जो इफॉर्मेशन हमारी सेंसेज से आती है उसको पहले वो अलग करेगा फिर वो देखेगा कि जो जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनमें किस किस में सिमिलैरिटीज़ है फिर उनको इकट्ठा प्लेस कर देगा विच लेटर ऑन कैन बी रिकॉल्ड फॉर यूज इन डिफरेंट सिचुएशन और इस इंफॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसको बाद में रिकॉल कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं दस बिकमिंग ए पार्ट ऑफ नॉलेज तो इस तरह से हमारा माइंड जो है इन्फॉर्मेशन को जो हम अपनी सेंसिस से ऑब्जर्व से करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं किस सेंसिस से बनी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया हमारे माइंड ने पहले डिफ्रेंसिस के बेस में उसको अलग किया और जिनमें सिमिलरिटी आई उनको उसने इकट्ठा कर दिया और वो बन गए पार्ट्स ऑफ कैन नोटिस दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल किया जिस इंडिविजुअल के माइंड ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जिसने किया जिसके माइंड ने प्रोसेस किया उसने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया बाय अप्लाइंग हर हिज ओन मेंटल एबिलिटीज उस इंडिविजुअल की लगी और ये एक व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसकी योग्यता पर निर्भर करता है अवलोकन करने की इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड हिज हर इंटेलिजेंट टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन कि एक ये इस पर निर्भर करता है कि एक इंडिविजुअल की योग्यता क्या ऑब्जर्व करने की और वो कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इंडिविजुअल्स इन सेम एन्वायॉयरमेंट मे प्रोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज अभी आप सभी जानते हैं कि एक ही जगह रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सब का जो लेवल है नॉलेज का वो डिफरेंट हो सकता है तो ऑब्जर्वेशन कंस्ट्रक्शन करवाती है नॉलेज का अब जब हम रिपीट करते हैं उस इन ऑब्जर्वेशन को नॉलेज कंस्ट्रक्शन के हमें रिपीट करना पड़ता है तो हमारे पास आता है फैक्ट और ये जो फैक्ट है बेसिक यूनिट बनता है नॉलेज का दैट इज फैक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज और हम ये कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज इज फैक्ट एंड इन साइंस एनी रिपीटेडली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन बिकम्स अ फैक्ट तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम रिपीट भी कर सकते हैं और रिपीट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है फैक्ट या उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है फैक्ट ठीक है तो इन दिस रिस्पेक्ट द मीनिंग अटैच टू वर्ड फैक्ट इन साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ फैक्ट इन डे टू डे यूजेज एज पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज लेट एस सी सम सम्पल्स द रेनबो इज ऑलवेज सीन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन जो रेनबो बनता है ठीक है सतरंगी पिंक जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं वो कहाँ बनता है हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इट इज़ ए फैक्ट अब ये फैक्ट कैसे बना बिकॉज एवरी टाइम और एनी टाइम वन ऑब्जर्व अ रेनबो इट इज फाउंड टू बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन क्योंकि जब भी रेनबो बनता है जो भी उसको देखता है वो हमेशा देखता है कि अगर सूरज इस तरफ होगा तो रेनबो इस तरफ बनेगा ऐसा नहीं होगा सूरज भी इस तरफ और रेनबो भी तरफ बनता है वो हमेशा अपोजिट में ही नजर आता है तो वो फैक्ट बन गया ऑब्जर्वेशन होगी ना बहुत लोगों ने डिफरेंट जगहों पे उसको रिपीट किया इट बिकम्स ऑब्जर्वेशन सिमिलरली अ बॉल रोलिंग ऑन अ सर्विस एक गेंद जो है अगर एक सर्विस पे रोल कर रही है कम्स टू ए स्टॉप आफ्टर सम टाइम एक बॉल कहीं भी आप चलाओ थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है इट इज अ फैक्ट बिकॉज इट हैज बिन रिपीटली वेरीफाइड क्योंकि सब जानते हैं आप एक गेंद को लो उसको फर्श पे फेंको थोड़ी देर बाद वो रुकेगी जरूर चाहे कोई जल्दी रुकती है कोई देर के बाद रुकेगी ज़रूर तो ये फैक्ट बन गया अगर कोई गेंद सरफेस पे रोल कर रही है तो कभी ना कभी थोड़ी देर बाद वो स्टॉप करेगी वो स्थिरता में आ जाएगी इसको रिपीटडली वेरीफाई किया गया है उसी तरह से द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद जिंक रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक सल्फेट अगर हम कॉपर सल्फेट का और जिंक का रिएक्शन करवाएं केमिकल रिएक्शन करवाएं तो उसमें जिंक सल्फेट जो और कॉपर जो है प्रोडक्ट इट इज़ अ फैक्ट अब ये फैक्ट कैसे बना बिकॉज दिस रिएक्शन हैज़ बिन रिपीटेडली ऑब्जर्व इन द लेबोरेटरी क्योंकि प्रयोगशाला में ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी इसको किया जाता है तो ये बार बार जो है ये रिपीट किया गया और वेरीफाई किया गया जब भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक रॉड डालेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है रॉड के ऊपर सो इट इज़ ए फैक्ट सो कोई भी ऑब्जर्वेशन जब रिपीट की जाती है और उसको वेरीफाई किया जाता है तो वो बनती है फैक्ट अब देखो ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन से इन्फॉर्मेशन आई इन्फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड ने सेग्रीगेट किया पहले डिफरेंस किया फिर उसको क्लब कर दिया डिफरेंट में बन गया नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गया अब वो नॉलेज किसकी फॉर्म होगा फैक्ट्स बेसिक यूनिट फैक्ट है जैसे घर बनाने या दीवार बनाने का बेसिक यूनिट जो है तो वो ईंट होता है वैसे ही नॉलेज क्रिएट करने का फैक्ट है फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा नॉलेज बन जाएगा ज़्यादा बॉडी ऑफ नॉलेज बन जाएगी राइट सो रिपीटेडली वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन लीड्स टू फैक्ट अब आगे देखते हैं अब जो ऑब्जर्वेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई इन्फॉर्मेशन से फैक्ट बना फैक्ट से नॉलेज क्रिएट हुआ या नॉलेज अपने आप में फैक्ट है उसी तरह से ऑब्जर्वेशन से कंसेप्ट भी बनते हैं लेट अस सी हाउ कंसेप्ट आर फॉर्म बिकॉज कंसेप्टो इज इज ए काइंड ऑफ नॉलेज नाउ कंसिडर समर्वेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स एक इट इज ए पीस ऑफ सॉलिड एक ऑब्जेक्ट है मान लो वो क्या है एक इट इज पीस ऑफ सॉलिड दिस सॉलिड हैज अ शाइनिंग अपियरेंस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसके जो सॉलिड है और इट हैज शाइनिंग अपीयरेंस लस्टर एंड दिस सॉलिड कैन बी बीटन इनटू शीट्स मेलियबल भी है दिस सॉलिड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर डक्टाइल भी है दिस पीस ऑफ सॉलिड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इस पीस ऑफ सॉलिड में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाह कर सकती है दिस सॉलिड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड स्ट्रक विद अनदर सॉलिड और इस सॉलिड को जब किसी दूसरे सॉलिड से जाते हैं एक

सॉलिड अब इन सबको एसोसिएट कर दिया पहले अलग किया लच्चर के फॉर्म में मेलेबल और रेक्टाइल के फॉर्म में फिर उनको इकट्ठा कर दिया हैंस वी हैव एसोसिएटेड ऑल द प्रॉपर्टीज़ गिवन सॉलिड अब जब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने एक सॉलिड के साथ जोड़ दिया वी वुड लाइक टू रिमेंबर दिस सॉलिड विद वन वर्ड और नेम और अब ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें है उसको हम एक शब्द से याद रखना चाहते हैं क्योंकि इतने सारों को बार बार तो याद रखेंगे नहीं तो जब एक शब्द से याद रखना चाहते हैं दिस नेम विल देन रिप्रजेंट द सॉलिड विद ऑल दिज प्रॉपर्टीज और वो नाम इन सारी प्रॉपर्टीज को दर्शाएगा द नेम ऑफ द सॉलिड इज मेटल एंड मेटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट तो इस तरह से हमारे पास कंसेप्ट बनते हैं तो so, क्या कह सकते हैं और इसी तरह से और एग्जाम्पल देखें कंसेप्ट के एसिड हो गया सॉलिड हो गया वाटर हो गया ग्लास हो गया पेपर पेन चेयर मॉलिक्यूल मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन कंबेशन एवेपोरेशन ऑक्सीडेशन वेव्स इंटरफेरेंस एक्सरे सेमी कंडक्टर दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को किसी एक नाम के साथ रिमेंबर रखना चाहते हैं किसी एक एक वर्ड के साथ उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दैट बिकम्स ए कंसेप्ट सो हैंस कंसेप्ट इज ए वर्ड एन आइडिया और अ मेंटल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस और फिनिना तो किसी फिनोमिन की किसी प्रोसेस की किसी ऑब्जेक्ट की मेंटल इमेज होती है या कोई आइडिया होता है या सिंगल वर्ड है वो कंसेप्ट होता है तो पता चला फैक्ट क्या होता है कंसेप्ट क्या होता है और नो अ लर्नर इज सेट टू हैव लर्न और अटेन द कंसेप्ट अब हम कहते हैं एक लर्नर ने लर्न कर लिया या अटेन कर लिया कंसेप्ट को कैसे पता चलेगा इस चीज का ओनली इफ ही और शी कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट लर्न एंड ऑल्सो कैन डिफ्रेंशिएट नॉन एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट अब एक व्यक्ति को कंसेप्ट किस कंसेप्ट लर्न कर लिया है या उसने अटेन कर लिया है उसको वो उस समझ आ चुका है तो उसका पता चलेगा जब वो उसके एग्जाम्पल दे सकता है या जो उसकी नॉन एग्जाम्पल थिंग्स हैं और एग्जाम्पल थिंग्स हैं उनमें डिफरेंस जब वो कर सकता है फॉर एग्जाम्पल आइस इज़ ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड आपको लिक्विड का कंसेप्ट पता है तो आइज क्या है नॉन एग्जाम्पल वो लिक्विड नहीं हो सकती एंड कॉमन साल्ट इज ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ एसिड और कॉमन साल्ट है वो एसिड नहीं हो सकता बिकॉज ये साल्ट है आपको साल्ट का कंसेप्ट पता है और एसिड का कंसेप्ट पता है शी ही कैन लिस्ट द करेक्टराइटिक्स ऑफ द कंसेप्ट और वो जो भी लर्नर है वो कंसेप्ट के करेक्टराइटिक्स को लिस्ट आउट कर सकता है एंड कैन डिफाइन द कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टराइटिक्स और जो करेक्टरास्टिक्स के बेस पे कंसेप्ट को डिफाइन कर सके गॉट इट आर नॉट तब हमें पता चलेगा कि एक लर्नर ने एक को लर्न कर लिया for और जब होनी है, तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस भी चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी चाहिए तो देखो ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिफिक मेथड का पहला एलिमेंट है ठीक है तो ऑब्जर्वेशन से हम प्रशन भी करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं उसी से नॉलेज बनता है नॉलेज फैक्ट की फॉर्म में हो सकता है या कंसेप्ट की फॉर्म में भी हो सकता है अब बात करते हैं प्रिंसिपल की कंसेप्ट से ही प्रिंसिपल बनते हैं अब देखो कंसेप्ट कहाँ से आए डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस और ऑब्जर्वेशन से तो यानी कि प्रिंसिपल भी कहाँ से बना कंसेप्ट का ही एडवांस वर्जन बनेगा प्रिंसिपल मैनी कंसेप्ट कैन बी कम्बाइंड इन ए वे टू कन्वे मीनिंग विच कैन भी टेस्टेड अब जब हम कई कंसेप्ट को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से कि जिसको हम टेस्ट भी कर सकें और वेरीफाई भी कर सकें इनवर्सली और एक मीनिंगफुल चीज बनानी है देन दिकम अ प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग ठीक है जब मेटल्स को हीट करते हैं तो वह एक्सपैंड करती हैं लिक्विड्स इवेपोरेट ऑन हीटिंग बॉडी कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट आरकम प्रिंसिपल एंड बर्नॉल प्रिंसिपल तो देखो कंसेप्ट बना मेटल एक कंसेप्ट है उसको हिट करेंगे हिटिंग अवर अलग कंसेप्ट है ठीक है तो जब दो कंसेप्ट को आपने कंबाइन किया मेटल कंसेप्ट है हिट करना कंसेप्ट है तो वो एक्सपैंड एक्सपैंड करना अपने आप में कंसेप्ट है तो क्या बन गया प्रिंसिपल

एगी तो थ्योरम की भी बात करेंगे तो यू हैल फिनमुना तो एक कॉम्प्रेहेंसिव विस्तृत सामान्यकरण की स्टेटमेंट है एक तरह की जो डिस्क्राइब करती है प्रॉपर्टी को किसी नेचुरल फिनोमुना से जुड़ी हुई सो ए प्रिंसिपल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव Generalization describing a property related to a natural phenomena. The principle is based on concepts which are formed through concrete examples. The principle is based on concepts. Ke concepts are based on concrete examples. Se. People apply these principles to understand the realities around them, to explain the phenomena they have observed, and to test their hypothesis in laboratories. So, let us move for hypothesis now. जब कंसेप्ट आ गए प्रिंसिपल बन गया अब हम सबको अप्लाई करते हैं हाइपोथिस को टेस्ट करने के लिए अब हाइपोथिसिस क्या होते हैं हाइपोथिस कुछ नहीं है हाइपोथिस एक वर्ड है जिसका मतलब है जब कोई प्रॉब्लम होती है या हमारी कोई एक कोई मतलब हम अनुमान लगाते हैं जब किसी चीज़ के बारे में अनुमान मतलब किसी चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया या हमने एजम्पशन बना ली कि अच्छा ये ऐसा सा है तो कि इस वजह से ये चीज़ ऐसी है तो उसको हम हाइपोथिस कहते हैं द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिनोमिनन और फैक्ट रेज सर्टन क्वेश्चन जब हम किसी फिनोमिने को या फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि वट कॉज डि टू हैपन ऐसा क्यों हुआ और वाई डिट टू हैपन ये किस कारण हुआ और वाई डिट इट हैपन ये क्यों हुआ दिस वे इस तरह से एंड नॉट इन एनी अदर वे किसी और तरीके से नहीं अगर ये हुआ क्यों हुआ किस वजह से हुआ और इस तरह से हुआ किसी और तरीके से नहीं क्यूं हुआ क्यों हुआ, क्यूं हुआ? क्यूं हुआ? क्यूं हुआ? द बेसिस ऑफ द एंसर्स टू दिस क्वेश्चन द साइंटिस्ट थिंक्स ऑफ ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और जब ऐसे प्रश्न जब अपने आपसे एक साइंटिस्ट पूछता है तो वो कुछ सोल्यूशन के बारे में सोचता है कि इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी या इसका कुछ सोल्यूशन होगा और तब जो स्टेटमेंट बनती है वो होती है हाइपोथी एंड देन यूर शी फॉर्मुलट से हाइपोथिस फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ वी सी थिंग्स अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं क्वेश्चन आ गया how do we how we see things a hypothesis was formulated in the ancient times aur prachin samay mein ek hypothesis bana iske liye that the human eyes emit rays manav ki aankh se kuch rays nikalti hain which falls on objects jo kisi objects pe girti hai to make them visible jisse wo hame dikhai dete hain let us take an example from everyday life इसी तरह से हम एक example everyday life से ले सकते हैं. suppose you switch on your television मान लो आपने television on किया and its screen is still dark आपने टेलीविज़न ऑन किया और ये ऑन नहीं हो रहा अभी उसकी स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा अब हम गैस लगाना शुरू करेंगे ठीक है पहला गैस वो भी हाइपोथेसिस होगा योर फर्स्ट गैस आ हाइपोथेसिस कुड बी दैट देर इज नो इलेक्ट्रिक हम तो कहेंगे अच्छा लाइट नहीं है इफ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज देयर और तब भी स्क्रीन नहीं चली है, तो तब हम दूसरा गैस लगाएंगे तो ये दूसरा हाइपोथेसिस हो गया दिस कुड बी दैट द स्विच इज फॉल्टी तो स्विच खराब हो गया टी का लाइट है तब भी टी वी नहीं चलता तो स्विच खराब है तो ऐसे ही वी कैन थिंक ऑफ मैनी हाइपोथिस मतलब जब हम गैस लगाते हैं कोई समस्या हमारे सामने उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो जो स्टेटमेंट या जो हमारा वो आइडिया बनता है assumption बनती है दैट इज ए एपोथिस इन साइंस ऑल हाइपोथिस टेस्टेबल अब साइंस में सारे टेस्टेबल होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस इज दैट इट रिक्वायर्स हाइपोथिस टू कास्ट इन टू ए फॉर्म दैट कैन नॉट ओनली बी वेरीफाइड बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली प्रूव रॉन्ग अब साइंस की खासियत है कि जब हम ऐसे गैस करते हैं तो हमें एक ऐसी स्टेटमेंट में हमें कास्ट करना पड़ता है उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना पड़ता है ताकि उसको हम वेरीफाई कर सकें टेस्ट कर सकें और अगर वेरीफाई कर लिया तो अगर हो सके तो उसको गलत भी साबित कर सकते हैं वो सही हो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं राइट right? देन अब जब हाइपोथेसिस की बात होगी कि गैस बन गया जम्शन बन गई अब हम प्रोडिक्ट कैसे करते हैं हाइपोथेसिस को प्रोडिक्शन फॉर्म है हाइपोथेसिस एंड इट्स टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन प्रोडिक्शन ऑफ साइंस डज नॉट मीन टेलिंग समथिंग अबाउट फ्यूचर अगर हम साइंस में प्रोडिक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं भविष्य बताना विच या भूतकाल का बताना कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा दिस इज नॉट द केस प्रोडिक्शन ऑफ साइंस डज नॉट मीन टेलिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर विच हैज़ नॉट हैपन इन द पास्ट इट इज़ अबाउट फोर टेलिंग रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू थ्रो समलाइट ऑन द साइंटिफिक फिनोमिना तो प्रोडिक्शन का मतलब है कि हम जो है कोई एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसके रिजल्ट्स को बताना है और उससे लाइट बनाने के मतलब किसी साइंटिफिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है ये है प्रडिक्शन साइंस में द हाइपोथेसिस इज एनालाइज्ड टू मेक प्रडिक्शन विच आर वेरीफाइएबल बाय एक्सपेरिमेंटेशन तो हम हाइपोथेसिस को अनालाइज करते हैं ताकि उसे हम प्रोडिक्शन बना सकें ना कि भविष्य का अनुमान लगाएं ना ही भूतकाल का हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ गैस बनाया जैसे कि हमने बात की कि स्विच ऑन किया टी वी लाइट नहीं आई हमने अभी तो आ बिजली नहीं होगी तो हमने टेस्ट कर लिया बिजली के स्विच को ऑन किया ओ नहीं बिजली तो है तो फिर हमने दूसरा हाइपोथेसिस बना लिया वो रिजेक्ट हो गया कि बिजली नहीं है वो तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि बिजली तो है फिर हमने दूसरा बना लिया कि टी का स्विच ख़राब होगा फिर हमने स्विच को देखा अगर स्विच को लाया तो अगर वो ऑन हो गया तो इसका मतलब स्विच में फर्क है अगर नहीं ऑन हुआ तो हम किसी तीसरे की तरफ जाएंगे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है ट्यूब खराब हो सकती है या तार किटी हो सकती है सो लाइक दैट एंड ऑल

द ऑब्जेक्ट्स विल भी विजिबल इवन वेन नो लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सिस फॉलिंग ऑन एन दैम एक हम ये बनाते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट तो तब भी दिखते हैं जब तक बाहर से कोई लाइट उनपे ना पड़ी हो दिस प्रोडिक्शन नीड्स टू बी टेस्टेड टू कन्फर्म और डिस्कार्ड द हाइपोथिस तो इस प्रोडिक्शन को टेस्ट करना जरूरी है ताकि हम कन्फर्म कर सकें या डिस्कार्ड सकें हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके ऊपर लाइट फेंकेंगे जैसे लाइट जली है कमरे में यू कैन सी द ऑब्जेक्ट लाइट बंद कर दो आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा Accordingly, आप hypothesis को बना सकते हो, हो okay? जली जली है तो object दिखता है, है है, 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 है तो object नहीं दिखता है, object वही है। तो तो दिखता दिखता नहीं नहीं हालांकि वही अब वो पहले वाला hypothesis हो गया कि हमारी से से निकलती है। किसी दूसरे से light आती है, जो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और हमारी आंख में आती है तब हम चीजों को देख सकते हैं सिमिलरली इफ एक्सपेरिमेंट शो दैट दाइपोथिस फॉर्मलिटी इज नॉट करेक्ट अब अगर एक्सपेरिमेंट जो हाइपोथिस हमने बनाया था वो सही नहीं है हमें दूसरे हाइपोथिस की जरूरत पड़ती है और उसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं ए हाइपोथिस कैन मेक मोर देन वन प्रोडिक्शन और एक बात है एक हाइपोथिसिस है हम एक से ज्यादा प्रोडिक्शन भी बना सकते हैं लेकिन वो सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइएबल होनी चाहिए देन लास्ट में जब हमने हाइपोथिस की बात कर ली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात कर ली उसके बाद आती है साइंटिफिक थ्योरी ये फोर्थ एलिमेंट है देखो ऑब्जर्वेशन आ गई ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि नॉलेज कैसे क्रिएट होता है नॉलेज क्रिएट होने के बाद हमने देखा फैक्ट्स क्या होते हैं फैक्ट्स के बाद हमने कंसेप्ट uh, की बात की और कंसेप्ट से हमने प्रिंसिपल की बात की प्रिंसिपल के बाद हमने देखा कि प्रिंसिपल से जब चलते चलते जहाँ हमारे पास जब इन, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हम जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम्स का तो हमारे पास हाइपोथेसिस है बनते हैं तो हाइपोथेसिस है गैस होते हैं फिर हाइपोथेसिस जो गैस होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं राइट जब उसको टेस्ट करते हैं तो या तो वो एक्सेप्ट होता है या वो रिजेक्ट होता है या तो मतलब वो ट्रू साबित होता है या वो गलत साबित है गलत साबित होता है तो हम नया हाइपोथिस है बनाते हैं फिर सेम प्रोसीजर उसके साथ करते हैं और जब वो हाइपोथिसिस सही साबित होते हैं तब जाके थ्योरी बनती है जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन फिर अनालिस क्वेश्चन फिर हाइपोथिस बना अनालिस क्वेश्चन के बीच में हमारे पास फैक्ट्स भी आएंगे कंसेप्ट भी आएंगे प्रिंसिपल्स भी आएंगे और भी चीज़ें हैं वो सारी आएंगी तब जाके हम हाइपोथिस तक पहुंचेंगे फिर हाइपोथेसिस हम प्रोडिक्ट करेंगे प्रोडिक्शन के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे टेस्ट में अगर वो पास हो गया तो थ्योरी बनी अगर पास नहीं हुआ नो हुई तो वापस हम फिर से नया हाइपोथेसिस बनाएंगे और सेम प्रोसीस उसके साथ रिपीट करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड वेरीफाइंग हाइपोथिस कंटिन्यूस टिल ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइपोथिस और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड हाइपोथिस आर फाउंड टू बी करेक्ट बाई एक्सपेरिमेंटेशन और ये हाइपोथिस बनाने का और वेरीफाई करने का प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक सारे प्रोडिक्शन हाइपोथेसिस की करेक्ट नहीं हो जाती प्रूफ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा एट दिस स्टेज पॉसिबल जनरेशन ऑफ़ द हाइपोथेसिस आर लुक्ड फॉर और इस स्टेज में हम क्या करते हैं जब थ्योरी बनने की बात आती है जब सारे हाइपोथेसिस हमने करेक्ट कर लिया एक्सपेरिमेंट से प्रूव यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि अब इनको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं सामान्यकरण जनरलाइज मतलब थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड ग्लोब के लिए हम इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं द रिजल्ट आर कम्युनिकेटेड टू द साइंटिफिक कम्युनिटी और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं जब हमने सारे हाइपोथिस को ट्रू फाइंड आउट कर लिया एक्सपेरिमेंट से जर्नलाइज किया तो हम उसको साइंटिफिक कम्युनिटी को बनाते हैं थ्रू पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल्स फिर हम ये जो रिसर्च हमारी आई जो थ्योरी बनी उसको हम साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं द रिजल्ट आर दैन ओपन टू एक्सपेरिमेंटल स्क्रूटनी बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो जो रिज़ल्ट हम जनरल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़ते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसको छंट उसकी छंटनी करते हैं स्क्रूटनी करते हैं वो उसको दोबारा से रिपीट करते हैं वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं है इफ़ द रिज़ल्ट पास द टेस्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर ये जो रिज़ल्ट हैं ये दूसरी जगह पे भी जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और अब फिर से पास हो जाते हैं मतलब फिर से करेक्ट फाउंड होते हैं द हाइपोथेसिस विद जनरलाइजेशन इज देन टू द स्टेटस ऑफ ए थ्योरी तब जाके उन हाइपोथेसिस को जनरलाइजेशन के साथ हम थ्योरी का स्टेटस देते हैं नोटिस द रिग्रस टेस्टिंग ऑफ ए साइंटिफिक आइडिया सच रिगर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द साइंटिफिक मेथड अब ये जो साइंटिफिक आइडिया उसकी रिगरस टेस्टिंग होती है और ये जो रिगरस टेस्टिंग है रिगर जो है यही कॉर्नरस्टोन बनता है साइंटिफिक मेथड का तो ऐसे साइंटिफिक थ्योरी बनती है तो दिस इज हाउ साइंस प्रोग्रेसिज ठीक है और इसी के हमारे पास ऐसे न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ए थ्योरी न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी विच पास्ड ऑल द टेस्ट्स सेट फॉर इट तो जो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की जो सिद्धांत था वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है थ्योरी का इसने सभी टेस्ट पास किए थे जो इसके लिए रखे गए थे इंक्लूडिंग जनरलाइजेशन टू यूनिवर्सल एप्लीकेशन सामान्यकरण हुआ और उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हुई द थ्योरी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन और उसको हम एक इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं हम देखो थ्योरी को हमने इक्वेशन में लिखा है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर एम वन एक मास है एक बॉडी का एम टू दूसरी का मास है आर दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू मासिस एफ है ना जो इक्वेशन है ये मैग्नीट्यूड देती है फोर्स का बिटवीन टू एंड एंड एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज ग्रेविटेशनल मासविटेशनल तो ऐसे एक थ्योरी बनती है अब यहां पे आया थ्योरीज आर ऑफन इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू थ्योरीप्ट एंड इक्वेशन जब भी थ्योरी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ यूज करते हैं और कुछ इक्वेशन यूज करते हैं न्यूटन थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट लाइक like इनर्शिया आता है मोमेंटम आता है मोमेंटम की इक्वेशन होती है फोर्स की इक्वेशन होती है एंड इन द फॉर्म ऑफ वेल नोन इक्वेशंस तो हम इक्वेशंस भी यूज़ करते हैं और ये जो इक्वेशंस होती हैं अब थ्योरी जो बन गई हाइपोथिसिस हमारे एक्सपेरिमेंटल से जनरेशन आ गई और थ्योरी बन गई ये जो थ्योरी है थ्योरी को हमने कंसेप्ट यूज़ किए कन्सेप्ट आपको पता है कैसे बनते हैं राइट right? हमने डिस्कस किया है अभी अब आती है बात इक्वेशन की तो इक्वेशन एक्सप्रेस करती है लॉज को कॉल्स द लॉज ऑफ नेचर तो जब थ्योरी में जो इक्वेशंज होती हैं वो लॉ होते हैं मीनिंग दैट दे आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली और लॉ भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है दीज लॉज हेल्प अस नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड नेचर इन लॉज की मदद से हम सिर्फ नेचर को नहीं समझते बट ऑल्सो टू एक्सप्लोर इट बल्कि नेचर को एक्सप्लोर भी करते हैं द इंटीग्रल होल ऑफ़ दीज लॉज प्रोवाइड अस अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड अ पार्ट ऑफ नेचर इन ए पर्टिकुलर परस्पेक्टिव एंड कंस्टिट्यूट कंस्टिट्यूटिव थ्योरी जब हम इस लॉ को और कंसेप्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो और इन लॉज को जोड़ते हैं तो एक फ्रेमवर्क मिलता है ताकि हम नेचर के किसी हिस्से को अच्छे से समझ सकें उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में और फिर उससे हम कंस्टिट्यूट करते हैं एक थ्योरी को तो दैट मीन्स थ्योरी और ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड इक्वेशन और ये इक्वेशन जो होती हैं ये लॉज़ को रिप्रेजेंट करती हैं तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरीज तो लॉज क्या हुए लॉज आर कंसाइस वर्बल स्टेटमेंट्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ठीक है तो लॉज कंसाइज होते हैं कंसाइज मतलब संक्षिप्त ब्रीफ वर्बल स्टेटमेंट्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड अ लॉ अ लॉ डिस्क्राइब अ सिंगल एक्शन और फिनोमिना लॉ एक सिंगल एक्शन या सिंगल फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है वेयर एज थ्योरी एक्सप्लेन अ सेट ऑफ फिनोमिना थ्योरी बहुत सारे फिनमिनाज के एक सेट होता है समूह होता है उसको एक्सप्लेन करती है और थ्योरी इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स तो थ्योरी जो है एक सेट होता है आपस में जुड़े हुए बंधे हुए तार जुड़े होते हैं कंसेप्ट्स का अजम्पन का और प्रिंसिपल्स का गिविंग ए सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना और जब वो किसी प्राकृतिक फिनोमिना को सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसकी व्याख्या करती है मोर इंपॉर्टेंटली अ थ्योरी प्रोडिक्ट न्यू फिनोमिना विच आर वेरीफाइएबल बाय एक्सपेरिमेंटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थ्योरी जो है वो प्रोडिक्ट करती है नए फिनोमिनाज को जिनको हम वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू देन अब एक बात और सम थ्योरीज़ मेक ह्यूज डिमांड्स ऑन अवर इमेजिनेशन कुछ थ्योरीज आती हैं जो हमें जिसमें हमें बहुत सारा ज़्यादा इमेजिनेशन करना पड़ता है उनको समझने के लिए तो उस केस में इट इज़ यूजफुल देन टू प्रेजेंट दैम इन फॉर्म ऑफ मॉडल तो जब वो थ्योरी हमारे लिए बहुत इमेजिनेशन डिमांड करती है हमारे दिमाग से ताकि हम उसको समझ पाएं तो हम क्या करते हैं उसका एक मॉडल बनाते हैं साइंटिस्ट उसका मॉडल बनाते हैं दे रिप्रेजेंट फिनोमिना और एब्सट्रैक्ट आइडियाज़ दैट वी कैन नॉट सी तो ये जो मॉडल है वो उस एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है आइडियो को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं दस मॉडल्स हेल्प अस टू कंसेप्चुलाइज आइडियाज जैसे कि आप देख रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम अब हम देख तो सकते नहीं है लेकिन वो जो थ्योरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो बोहर ने उसको एक मॉडल के फॉर्म में दिया था वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल इन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम इन दिस मॉडल द एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन और जिस तरह से ग्रह सूरज के गिर्द घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो देखो ये एक मॉडल आ गया जब थ्योरी समझने में मुश्किल हो जाती है और कुछ ऐसे आइडिया होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से परे होते हैं तो उस केस में एक मॉडल की जरूरत पड़ती है तो मॉडल डिस्क्राइब करता है थ्यूरी को जो थ्यूरी को समझने में हमारी मदद करता है हाउएवर इट मस्ट भी क्लियरली अंडरस्टूड लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दैट ए मॉडल हैज़ ओनली अ लिमिटेड वैलिडिटी कि सिर्फ कुछ समय तक वैलिड होता है एंड द रियलिटी कुड बी मच डिफरेंट और रियलिटी बा, बाकी अलग होती है अगर बोहर का मॉडल जो है ये ये सही होता तो हमें क्वांटम या ऑफ वो प्रिंसिपल या क्वांटम स्टेट्स क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स की जरूरत ना पड़ती वो आप सभी जानते हैं देन कीप इन माइंड एक चीज ध्यान रखें नो इज फाइनल टेंटेटिव नेचर है साइंस का कीप इन माइंड नो इज फाइनल ट इज ऑलवेज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन और इवन रिजेक्शन इन द लाइट ऑफ न्यूर ऑब्जर्वेश वो डिपेंड करता है नई ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं रिजेक्ट भी कर सकते हैं अब एक चीज आई थी जब साइंटिफिक थ्योरी की बात आती है जब हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्रू साबित हो हाँ गया तो एक्सपेरिमेंटेशन है, तो करते हैं जनरेशन से पहले तो एक्सपेरिमेंटेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मे डिपेंड ऑन सेवरल वेरिएबल्स जो किसी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कई इन वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं इफ़ द साइंटिस्ट अलाउड ऑल द वेरिएबल्स टू वेरी एट द सेम टाइम अगर साइंटिस्ट सारे वेरिएबल्स को वेरी करने दे चलने दे चार्ज होते हैं उनको चेंज होने दे द रिज़ल्ट जो है दे वुड नॉट बी अंडरस्टैंडेबल एट ऑल तो वो रिजल्ट जो है वो हम समझ नहीं सकते एक साथ सो एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो प्रयोग करने वाला होता है वो स्टडीज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल एट ए टाइम एज ए फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है वो क्या करता है वो एक वेरिएबल को कंट्रोल कर लेता है रोक लेता है और और किसी और वेरिएबल को वेरी करता है और जिसका इफेक्ट वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर स्टडी करता है सो एन एक्सपेरिमेंटली स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल एट ए टाइम एज ए फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल बाई कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट इन अदर वर्ड्स ही कंडक्ट्स अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट दूसरे शब्दों में कहें तो एक साइंटिस्ट जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो करता है फॉर एग्जाम्पल बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस आर अफेक्टेड बाई इट्स टेम्परेचर अगर एक गैस के टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर को जो है इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर बड़ा वॉल्यूम भी चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा ये आप सब जानते हैं इफ़ वी अलाउ बोथ वेरिएबल्स टू चेंज विथ टेम्परेचर अगर हम दोनों वेरिएबल्स को चेंज करना अलाउ कर देते हैं विद टेम्परेचर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो हम उस रिजल्ट को एक्स अंडरस्टेंड नहीं कर सकते हैं वो हमें समझने में बहुत मुश्किल आएगी सो इन ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट वी कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट अब मान लो हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया तो हम क्या करते हैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर देते हैं फिक्स कर देंगे प्रेशर चेंज नहीं होने देंगे एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम और फिर हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर कोई लॉज याद आ रहे हैं आपको गैस लॉज हाँ वही है ये गुड इन अनदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट वी कीप द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करेंगे एंड स्टडी द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर तो जब ये करते हैं तो हमारे पास गैस लॉस आते हैं वो आपने स्टडी कर रखे हैं सो दिस इज वन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में सारी वेरिएबल को फ्री नहीं छोड़ा जाता कुछ को कंट्रोल करना पड़ता है और एक का इफेक्ट दूसरे पर हम स्टडी करते हैं सो दिस इज हाउ साइंस वर्क सो स्टूडेंट्स सो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस तो हमने मैं जस्ट एक रिकैप करता हूँ क्विक स्नैपशॉट दैट हमने स्टडी किया साइंस के नेचर को विद दी हेल्प ऑफ एट कैरेक्टेरिस्टिक्स जिसमें हमने डिस्कस किया साइंस जो है वो इट इज़ ए वे इट इज़ ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर एक्सपेंडिंग बॉडी है नॉलेज की ठीक है इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग का है और ये इंटरनेशनल एंटरप्राइज है साइंस का नेचर टेंटेटिव है साइंस जो है वो टेंटेटिव uh, नेचर तो रखती है उसके साथ जो है साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिसिज्म साइंटिस्ट आर हाईली स्केप्टिक पीपल शकी होते हैं देन साइंस डिमांड्स परसिवरेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स एंड इट इज़ एन ए वे ऑफ इट इज़ ए वे ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जो इन्वेस्टिगेशन की बात आती है ऑब्जर्वेशन उसमें रहती है ऑब्जर्वेशन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है फिर नॉलेज होता है नॉलेज इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स होता है कंसेप्ट्स uh, होता है प्रिंसिपल होता है वो फिर uh, जब इन uh, जब हम फैक्ट्स uh, को कंसेप्ट को और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं कहाँ अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस राइट और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके लिए फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं क्या होता है जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो फैक्ट्स कन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो नॉलेज है जो नॉलेज की बॉडी बनी है जो कंस्ट्रक्ट किया है एक इंडिविजुअल ने इंफॉर्मेशन को अपने माइंड से प्रोसेस करके उसके बेस के ऊपर हम गैस लगाते हैं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हाइपोथेसिस होते हैं और उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं ठीक है एक्सपेरिमेंट करते, है करते हैं उनके ऊपर और उनसे उन प्रोडिक्शन करते हैं प्रोडिक्शन के बेस पे हम उनकी टेस्टिंग करते हैं अगर वो टेस्टिंग पे सही उतरते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और अगर सही नहीं उतरते हैं तो दोबारा से नया हाइपोथेसिस बनाते हैं पुराने को रिजेक्ट करते हैं नया बनाते हैं दोबारा उसको क्या करते हैं उससे प्रडिक्शन निकालते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं अगर वो ट्रू साबित होता है तो ऐसे हम बहुत सारे हाइपोथिस को जब ट्रू साबित होते हैं तो उनको जर्नलाइज़ करते हैं और फिर उसकी थ्योरी बनती है तो थ्योरी जब बनती है तो उसमें कंसेप्ट होते हैं और इक्वेशंस होती हैं उस उसको हम एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश करते हैं वाइडर कम्युनिटी के लिए फिर और लोग उसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्लेसिस पर डिफरेंट साइंटिस्ट उसको प्रैक्टिस करते हैं रिपीट करते हैं और तब जाके उसको वेरीफाई करते हैं सो दिस इज हाउ साइंस प्रोग्रेसेस सो डियर फ्रेंड्स दैट इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ साइंस थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे